बेस्ट व्लॉगिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो भाई अगर आप व्लॉगिंग करते हो, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो, तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप आउट मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉबिन ओसला। वेलकम टू दी ओसला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नया आ चुके हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पर करो फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की बात करते। तो यार आज मैं आपको फाइव स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि बहुत तगड़े होने वाले हैं। कैमरे के साथ साथ आपको प्रोसेसर भी तगड़ा मिलेगा, आपको डिस्प्ले भी तगड़ी देखने को मिलने वाली है, प्लस लुक वाइज भी बहुत सही होने वाले हैं। तो यार अगर आपने शूट वगैरह भी अपने फ़ोन पे करना है, प्लस अगर आपने एडिटिंग वगैरह भी अपने फ़ोन पे ही करनी है, तो यार ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूँ, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा वन प्लस एट प्रो को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 50,000 के बजट में ये स्मार्टफोन नॉर्मली ईजिली मिल जाएगा। प्लस आपको बहुत क्रिएटर्स के पास ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। इसका डिज़ाइन एंड इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको तगड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, प्लस भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, प्लस भाई अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो ना, तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है वन प्लस एट प्रो। बहुत लोगों ने इसको परचेज किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। प्लस आपको 4.5 रेटिंग मिल जाती है, अमेजोन टैग वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा शैडो मिल जाता है 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 50,000 के बजट में वन प्लस एट प्रो नॉर्मली इजिली देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया वन प्लस एट प्रो की। अगर आपने स्मार्टफोन की जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चैगुड़ करना है आप चैगुड़ भी कर सकते हो, डीपली देखना भी चाहिए, ठीक है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर यार मैंने रखा है आईफोन 11 को। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको 50,000 के बजट में जो वेरिएंट देखने को मिलता है ना, वो आपको 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपको 64GB स्टोरेज बहुत है तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। कैमरा सभी को पता है, ठीक है, आप 4K में शूट कर सकते हो। बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लस भी अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। कैमरा बहुत, सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा। उसके बाद आपको डिज़ाइन लुक वगैरह तो अच्छी मिल ही जाती है, प्लस 4.5 रेटिंग इसको भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। आपको पता है यार एप्पल ब्रांड है, तो एप्पल ब्रांड जो भी अपने स्मार्टफोन वगैरह बनाता है या लैपटॉप मैकबुक वगैरह बनाता है ना, तो वो क्वालिटी वाइज तो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा अपर होती है, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो, चैकआउट करना चाहते हो, आप चैकआउट कर लेना, तो आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं आईफोन 11 के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को, 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर की बातों को, 832 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो यार बहुत तगड़ा। अगर आपने मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने फ़ोन पे करनी है, प्लस अगर आपने एडिटिंग भी अपने फ़ोन पे करनी है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है आईफोन 11, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 4GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 3110mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं, आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 12MP प्लस 12MP। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 12MP सेल्फी मिल जाती है। प्लस प्राइस की बात करूँ, आपको 50,000 के बजट में आईफोन 11 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। अगर आपने 128GB स्टोरेज के पास जाना ना, तो वो आपको मिलेगा या 57 या 58,000 के बजट में। तो अगर आपने उसकी ओर जाना, आप उसकी ओर जा सकते हो। अगर आपको 64GB स्टोरेज बहुत है तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। तो आगे बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है MI 10 को। तो यार इसको नंबर थ्री पर रखने का एक रीज़न है, वो ये रीज़न देखने को मिलता है, आपको डिज़ाइन एंड इसके कलर बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं। अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं मतलब कैमरे की। तो भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रैवल वीडियोज़ करनी है, टिकटॉक बनानी है, रील्स बनानी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आपको 8K ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, आपके फोटोज़ को, आपकी सेल्फीज़ को ना बहुत आगे तक लेकर चल जाते हैं। ये आप पर है कि आप कैसे यूज करते हो। तो फोन पूरा लोडेड है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं MI 10 की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी नया
फोन लॉन्च हो गया, MI 11 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो सेम प्राइस में देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने MI 10 की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने MI 11 की ओर जाना है आप उसकी और भी जा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं, कैमरे वाइज देखा जाए सच में पूरे लोडेड है, एंड आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आपने लॉन्ग टाइम पर स्मार्टफोन को रखना है आप रख सकते हो, आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आप इजिली नॉर्मली कर सकोगे। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात हूँ, 6.67 इंच 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया था कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी तगड़ी होने वाली है, अगर आप आउटडोर यूज़ करोगे, अगर आप इंडोर यूज़ करोगे आपकी क्वालिटी वगैरह डिस्प्ले की बहुत तगड़ी मिलेगी, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, तो प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज, मतलब ये दो मोड में देखने को मिलता है, जो आपके बजट में सेट बैठता आप उसके और चल जाना। बैटरी की बात करूं आपको 4780mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लस रिवर्स चार्जिंग भी स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेट मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP, जिस पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है, बट आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं मिलता, आपको 1080p पर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट इसकी सेल्फी बहुत तगड़ी, अगर आपने फोटोज वगैरह लेनी है ना तब आपका एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा होने वाला। प्राइस की बात करूँ आपको 49,000 के बजट में MI 10 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI 10 के भी बता दिया, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, रील्स के लिए, टिकटॉक के लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि नंबर टू एंड नंबर वन को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों ही जो स्मार्टफोन आपको सैमसंग की ओर से देखने को मिलते हैं। बात कर रहा हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। दोनों का डिज़ाइन या लुक वाइज आपको पसंद आने वाले हैं। उसके बाद अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, आपको बैक साइड में दोनों स्मार्टफोन के आपको 8K ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो भाई अगर आपको एक कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, सिनेमेटिक शूट करना है, प्लस अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो यार आपके लिए परफेक्ट डील हो जाता है। जो भी मतलब सैमसंग की ओर से मतलब दोनों फोन की इसकी और भी आपने जाना है आप जा सकते हो। प्रोसेसर दोनों में तगड़ा मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी तो आपको अपर मिल ही जाती है, प्लस सैमसंग की प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट फोटोज वीडियोस वगैरह अपनी प्राइवेसी में रखनी है आप रख सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। दोनों स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपने लॉन्ग टाइम रखनी है आप रख सकते हो। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की बात करूं, पहले डिस्प्ले की बात करें कि आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, ठीक है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 1TB तक, ठीक है। बैटरी की बात करूं आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, उसके बाद आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP, जिस पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिस पे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। तो यार इसके मतलब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ये बहुत तगड़ा है, एंड इसके प्राइस की भी बात कर लेते हैं, इसका प्राइस आपको 40,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S20 FE देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के बता दिया, अभी बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 6.7 इंच डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको Exynos 990 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। इसके प्रोसेसर दो देखने को मिलते हैं, Exynos 990 एंड स्नैपड्रैगन 865, दोनों 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, दोनों प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको क्वाड कैमरा सेट मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं आपको 10MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 48,000 999 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिए, दोनों स्मार्टफोन आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं, तो आप देख लेना। अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की ओर जाना आप जा सकते हो। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई अगर मेरा बजट भी 40,000 होता ना तो भाई मैं
मैं सैमसंग के स्मार्टफोन की ओर ही जाता, बिकॉज आपको डिज़ाइन लुक वगैरह तो बहुत सही मिल ही जाती है, उसके साथ साथ अपने मेन टॉपिक की बात, अपना कैमरा जो है ना वो आपको बहुत शानदार मिलने वाला है यार। 8K वीडियो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अंडर आपको 50,000 नॉर्मली देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन जो है ना वो आपको एक 40,000 का मिल जाएगा, एक जो स्मार्टफोन आपको 45,000 के बजट में मिल जाएगा यार, जो कि सच में एक चीज़ मैटर करती है। प्राइस भी आपको कम मिल जाता है एंड आपको 8K ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो यार बहुत तगड़ा, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है नॉर्मली इजिली कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्लस मैं बहुत वीडियोज़ वगैरह करता रहता हूँ उसको चेकआउट कर लिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो करता हूँ यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।